ददरी मेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि महर्षि भृगु की तपोभूमि और गंगा के पवित्र स्थली पर यह मेला लगा है। आइए, मेला में जौनपुर से आप अचार मुरब्बा का देखिए भीड़ भाड़ लगी, लोग ले रहे हैं। आइए बात करते हैं, जौनपुर से आप आए हैं। सर क्या नाम है आपका? नन्हेलाल यादव। क्या क्या लाए हैं इस बार? इस बार लहसुन अदरक चटनी है, ड्राई फ्रूट कचार है, छुआरे का देसी च्यवनप्राश है, अदरक कचार है, अदरक का मुरब्बा है, प्याज कचार है, बहुत ढेर सारी वेराइटियाँ हैं। आधे हैं जैसे 1/3 कोटा का है, कुछ कुछ रतलाम का है, कुछ हम बनाते हैं। कितने साल से आ रहे हैं आप? 4-5 साल से आ रहे हैं साहब। अच्छा, अभी मेला क्या है? अभी मेला चल नहीं रहा था साहब, आशा है कि आज से या कल से शनिवार संडे से चलना चालू हो जाए, उठ जाए हमारा सबका बिजनेस चालू जाए। अभी तो आशा लगा के बैठे हुए हैं। आशा और विश्वास है कि मेला उठेगा, बेहतर आए, लोग आएंगे, दुकानों से अचार और मुरब्बे की खरीदारी करेंगे, इस आशा में सारे दुकानदार हैं। हालांकि वैसे मेला में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ दुकानों पर ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है, कुछ दुकानों पर भीड़ कम देखी जा रही है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिए आजकल से। मैं रोशन जसवाल, नमस्कार।